जो है थैंक यू थैंक यू साहिल, थैंक्स अ लॉट। और बाकी भी प्लेयर्स से मैं बात करूंगी, कुछ तो मैं चाहूंगी मिल्टन ग्रुप, मिल्टन फार्मा ग्रुप, बस हम मिल्टन फार्मा से है ना सारे, वही है ना, मिल्टन फार्मा, मिल्टन फार्मा, जॉनली स्टन, जॉनली, मतलब टीम जॉनली, बोलो बोलो, मैं बोलूं टीम कौन कौन सी है, मिल्टन फार्मा एंड जॉनली, दोनों एक ही विलेज में, दोनों किवांदी है, किवांदी किवांदी, ओके, मिल्टन फार्मा किवांदी, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, मिल्टन thank you Milton पहला ओवर समाप्त, मैच नंबर 15 घाने राव विरुद्ध अघोरी रॉयल के बीच में, अघोरी रॉयल के कप्तान ने टॉस जीता, क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया। पहला ओवर हम देख रहे थे किस तरह से पर्व की गेंदबाजी का वहां पर धुनाई करते हुए बल्लेबाज, और खासतौर पर अगर बात करें ध्रुव की, ध्रुव ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से बाएं हाथ के बल्लेबाज से अंतिम गेंद पर हमने देखा किस तरह से पुल शॉट खेला मिड विकेट बाउंडलाइन के बाद, री सिग्नेचर ज्वेलरी के माध्यम से एक सिक्सर उन्होंने बटोरा और अपने टीम को एक बेहतरीन तरीके से स्टार्ट दिलाई, नींव अच्छी रख दी गई है 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर, और संकेत आ गए हैं गेंदबाजी करने के थैंक यू रिंकू जी बॉक्स एंड से, थैंक यू रिंकू जी, ओके सो लेट्स प्लीज ऑन स्टेज आ जाइए सर। ओके सो फॉर लास्ट
ज्यादा हेलो 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 और इस दरमियान यहाँ मिड विकेट पर लपके गए, विकेट का पतन होता हुआ एक और विकेट गिरता हुआ। नेक्स्ट एसपी शाह प्लेयर ऑफ द मोमेंट के लिए मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी साकरिया ज्वेलर्स से श्रीपाल जी को, नाइस वीनियर से नरेश जी को ऑन स्टेज, और प्लेयर ऑफ द मोमेंट जाता है गिरीश को फ्रॉम जॉली खिवानी टीम। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टीम, वंडरफुल जॉब। पंद्रह तीन विकेटों के नुकसान पर। थैंक यू रिंकू जी। शक्ति ज्वेलर्स गेम चेंजर ऑफ द मैच मिलता है जितेंद्र को फ्रॉम मिल्टन खिवांदी, मिल्टन फर्मा खिवांदी ग्रुप। और इस ट्रॉफी को भी देने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी श्रीपाल जी को और नरेश जी को फ्रॉम साकरिया ज्वेलर्स एंड नाइस वीनियर्स। 3-2 गो सर, वंडरफुल जॉब। यार क्लैपिंग की आवाज़ क्यों नहीं आ रही है टीम मेंबर से? आई नो धूप बहुत ज़्यादा है, आप लोग भी थक गए हो खेल करके। हाँ नहीं मैं सर आपकी तो दिक्कत ही अलग है, मैं क्या बोलूँ, मैं माइक पे बोल भी नहीं सकती, समझ रहे हो आप। बट स्टिल वंडरफुल जॉब टीम। नेक्स्ट जॉनली कैच ऑफ द मैच जाता है मनीष को फ्रॉम मिल्टन खिवांदी, मिल्टन फर्मा खिवांदी। और इस ट्रॉफी को भी देने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी स्टेज पर श्रीपाल जी को, नरेश जी को फ्रॉम साकरिया ज्वेलर्स एंड नाइस वीनियर्स। कोई बात नहीं, आप लोग थक गए हो हम समझ सकते हैं। तो विक्की दादा थैंक यू सो मच इन तालियों के लिए, ग्रेट जॉब। मजबूरी आप ही समझ रहे हो बस, थैंक यू, ग्रेट जॉब टीम, वंडरफुल जॉब। पच्चीस रन तीन विकेटों के नुकसान पर, 1.5 ओवर। इसके पहले क्या बेहतरीन तरीके से कवर्स पर खेला गया एक स्ट्रोक, चार रन हासिल करते हुए। देसुरी यूथ ग्रुप एंड लेपित सादरी ग्रुप प्लीज आप आ जाइए स्टेज पर फॉर टॉस्क बॉस नमो गेमिंग। और टॉस के लिए हमारे साथ है कमिटी मेंबर राहुल, और इस टॉस को जीता है लेपित सादरी जी ने, ये इस टॉस को जीता है, इस टीम ने इस टॉस को जीता है। और इन्होंने इन्होंने बॉलिंग को सिलेक्ट किया, इसके पीछे भी कोई स्ट्रैटेजी होगी फॉर श्योर आई नो, लेकिन कहा जाता है कि स्ट्रैटेजी पहले नहीं बतानी चाहिए। सो वंडरफुल, सेम एनर्जी हमें ग्राउंड पर भी दिखाई दे बिकॉज वी आर वेरी एक्साइटेड टू सी दिस मैच, आवर लेडीज आर वेरी यू नो एक्साइटेड टू डांस ऑन द फ्लोर जब आपका 6 और 4 होगा। सो वंडरफुल जॉब, ग्रेट जॉब। एंड अभी तक जिन्होंने भी खाना नहीं खाया खा लीजिए, आई थिंक 5 मिनट्स और होगा, या तो
अगर आपको फूड कूपन लेना है तो जल्दी से लेके खाना खा लीजिए, सो दैट वैसे भी फूड काउंटर थोड़ी देर में बंद होने वाला है। एंड यस रिंकू जी, आप कंटिन्यू कीजिए, थैंक यू सो मच। इस दरमियान अब री ब्लूम पावर प्ले की ओवर की शुरुआत करने के लिए आशीष आए हैं और आतिश, माफ कीजिएगा, आतिश आए हैं और दो ओवर की समाप्ति के बाद 28 रन 3 विकेटों के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए घाने राव की टीम 3 विकेटें गंवा चुके हैं, लेकिन अगर स्कोर की बात करें तो वहीं एक अच्छे मकाम पर हैं, 14 रनों के औसत से यहां पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और वहीं अनुमानित स्कोर दर्शा रहा है 70 रन अगर इसी तर्ज पर बल्लेबाजी की गई तो। लेकिन इस तरीके की गेंदों से थोड़ा सा दूर रहना होगा क्योंकि ये गेंदें रन भी दे रही हैं, बल्लेबाज को जो एक कहीं ना कहीं दबाव है उससे भी उभार रही हैं और काफ़ी कुछ बल्लेबाजी खेमे की तरफ ये सारी गेंदें जाती हुई। इस बार इंतज़ार किया, थोड़ी सी धीमी गति की गेंद थी और ऑन साइड में खेलते हुए एक रन आसानी से पूर्ण कर लिया गया 30 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। स्मैशर्स कप 20-22 कुल मिलाकर ये 15वां मुकाबला चल रहा है घाने राव विरुद्ध अगौरी रॉयल के बीच में। सफल हुए, अपील हुई, अंपायर ने इसे कबूला, बिल्कुल स्टंप के करीब पाए गए। इसके बाद का मुकाबला लॉमेन लेपर्ड सादरी विरुद्ध देशुरी यूथ ग्रुप के बीच में खेला जाएगा। लेपर्ड ने कल बिल्कुल अपने चिर परिचित अंदाज में मुकाबले को जीता और क्या मैच विनिंग परफॉर्मेंस उन्होंने की, तो क्या उसी तर्ज पर उसी परफॉर्मेंस को दोहरा पाएंगे। इस बार विद द टर्न खेला गया, स्ट्रोक का गेंद ऊंची उठी और एक आसान सा कैच, बैक टू बैक का दो गेंदों पर दो सफलता हासिल करते हुए। शुक्रिया डीजे। आतिश यहां पर सफलता प्राप्त करते हुए पावर प्ले की इस ओवर में एक बार फिर से गेंद हवा में है, उस ओर खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, दौड़ जरूर लगा रहे हैं लेकिन दोनों खिलाड़ियों के बीच में गेंद गिरती हुई, दो रन और बटोरते हुए दो रनों के साथ स्कोर पहुंच चुका 32 रनों पर। इस समय दो बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हुए अंकित और प्रतीक, ये दो बैट्समैन मैदान के बीचों बीच। घाने राव की तरफ से बल्लेबाजी करते हुए इस बार मिस जज आगे निकल चले थे खिलाड़ी और गेंद पीछे गिरती हुई, अन्यथा अगर इसे ठीक तरीके से जज कर लेते तो एक और विकेट का पतन हो सकता था। दो रन इस दरमियान दौड़कर पूर्ण करते हुए अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और अपनी टर्न से बल्लेबाज को भी वहां पर परेशान कर रहे हैं। चौतीस रन 5 विकेटों के नुकसान पर, लेग स्टंप के बाहर ये गेंद, ये तेज गति की गेंद थी, यहाँ पर चेंज ऑफ पेस जरूर किया था लेकिन मिडल और लेग स्टंप पर पिच कराते हुए गेंद में थोड़ी सी टर्न और टर्न के सहारे गेंद लेग स्टंप के बाहर जाती हुई विकेटकीपर के हाथों में। ये अच्छी गेंद, ये बिल्कुल सही दिशा में गेंद को पिच कराते हुए इस डॉट गेंद के साथ ओवर नंबर 3 हुआ समाप्त। 3 के बाद 35 5 विकेटों के नुकसान पर।
टॉस हारने के बाद घाने राव की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित तीन ओवरों की समाप्ति के बाद पांच विकेट गंवा चुके हैं, 35 रन बने हैं स्कोरबोर्ड पर, 12 गेंदों का और मुकाबला शेष। ये पहली पारी चलती हुई जहां पर अगोरी बॉयज ने टॉस जीता, अगोरी रॉयल ने टॉस जीता और पहले क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया। पैंतीस पांच विकेटों के नुकसान पर चौथा ओवर प्रगति पर परवाए हैं गेंदबाजी करने के लिए। लेफ्ट आर्म बाएं हाथ से अक्रॉस द विकेट गेंदबाजी करेंगे। फुल टॉस के सहारे इस गेंद को खेल दिया, ये बिल्कुल वाइडिश लॉन्ग ऑन और काउ कॉर्नर क्षेत्र पर प्रयास जरूर किया, हाथों पर गेंद लगते हुए बाउंड लाइन के बाहर, री सिग्नेचर ज्वेलरी चौका। और इस तरीके से पहली गेंद पर चौका बटोरते हुए अब सोच विचार के गेंदबाजी करने के लिए तैयार। बीचों बीच से फेंकी गेंद, थोड़ी सी धीमी रख रहे हैं गेंद को। फ्लाइट अगर दें और बिल्कुल स्टंप के करीब से अगर गेंद को कट कराएं तो निश्चित ही रूप से यहां पर सफलता मिलेगी। थोड़ी एक बार फिर से छोटी गेंद, पूरा समय मिल रहा है बल्लेबाज को इसे पुल करने में। एक टिप्पा गिरने के बाद एक बार फिर से री सिग्नेचर ज्वेलरी चौका। चौका बटोरते हुए स्कोर में इजाफा, 43 रन पांच विकेटों के नुकसान पर। ये चाइना मन गेंद, यहां पर चकित किया बल्लेबाज को। एक हल्की सी अपील भी होती हुई यहां पर, चेंज ऑफ पेस, आर्म चेंज किया, यहां चाइना मन गेंदबाजी की। और जब आपके पास तरकश में वो अलग अलग प्रकार की तीरें जिस तरह एक शिकारी के पास रहती है, उसी तरह से आपके पास भी अलग अलग गेंदें होनी जरूरी है, क्योंकि आज के इस जहां पर चुनौती पूर्ण मैचेस होते हैं और ताबड़तोड़ क्रिकेट खेला जाता है, ये अच्छी गेंद, ये बिल्कुल बेहतरीन गेंद थी और सही इलाके में गेंद को पिच कराते हुए यहाँ एक अच्छे तरीके से वापसी की पर्व ने। ओवर नंबर हुआ चार समाप्त, चार के बाद 43 रन पांच विकेटों के नुकसान पर। चौबीस गेंदों का खेल समाप्त, 43 रन बने हैं चार विकेटें गंवाने के बाद, दो बल्लेबाज पांच विकेटें गंवाने के बाद, दो बल्लेबाज इस समय प्रतीक और अंकित, ये दोनों बैट्समैन बैटिंग करते हुए, वहीं चार रन पर प्रतीक बल्लेबाजी कर रहे हैं और अंकित 10 रन पर बैटिंग करते हुए। विवेक आ गए हैं अब गेंदबाजी करने के लिए। पारी की अंतिम ओवर लेकर विवेक के कंधे पर भरोसा जताया कप्तान ने, अगुवारी रॉयल के कप्तान। इस समय अंतिम ओवर के लिए जो भरोसा जताया वो है गेंदबाज विकी जैन। इसी बीच एक रन बटोरते हुए लेग बाई के जरिए 44 रन हो चला है स्कोर। अब अंतिम पांच गेंदे देखना किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। हवा में खेली गई है गेंद, वहां पर खिलाड़ी दौड़ जरूर लगा रहे हैं और उनकी पहुंच से दूर प्रयास जरूर किया, लेकिन दो रन लेने से नहीं रोक सकेंगे। और बिल्कुल अब हाथों को खोलकर ही बल्लेबाजी करनी होगी क्योंकि ये अंतिम ओवर चल रहा है, अंतिम चार गेंदे और आनी बाकी है। 46 रन अच्छी तरीके से यहां पर कैच को लपकते हुए मिड विकेट पर, विकेट नंबर छठा गिरता हुआ, मयंक थे वहां पर खिलाड़ी मिड विकेट पर। छठा विकेट गिरता हुआ,
अब आ रहे हैं नए बैट्समैन, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा थोड़ा सा जल्दी आए। जिनित आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। अभी भी इस ओवर में 3 गेंदे और आनी बाकी हैं। 3 गेंदों पर क्या कहानी लिखते हैं बल्लेबाज जिमित, जिनित। विवेक की गेंद, अच्छी गेंद, इस दरमियान 1 रन और बटोरते हुए। अब यहां अंतिम समय पर गेंदबाजी बिल्कुल सटीक होती हुई अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन कर रहे हैं अघोरी रॉयल्स के गेंदबाज। यह अच्छी गेंद, एक और बेहतरीन गेंद, बिल्कुल ऑफ स्टंप के दायरे में गेंद और बाहर की तरफ कट कर आते हुए। अंतिम समय पर गेंद टर्न ले रही है और बल्ले से भी दूर रहती हुई अक्रॉस द विकेट खेलने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक और लेग कटर गेंद, लेग स्पिन डिलीवरी बाई के जरिए 1 रन और बटोरते हुए। और इस तरीके से पारी हुआ समाप्त, पारी समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है घानेराव टीम का 5 ओवर की समाप्ति के बाद 48 रन 49 रन बनाने होंगे इस मुकाबले को जीतने के लिए। घानेराव टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 5 ओवरों में 48 रन बनाए और अब अघोरी रॉयल की टीम जब Hello everyone, so I'm here from Nice Souvenirs. This is our showroom at Lalbagh. We deal into plywood, all type of plywood, marine, MR grade, and we have a distributorship of Century Ply. And this is my product Navam Ply. So we have started this new product. This is our distributorship all over Mumbai and it's 100% genuine marine and top quality to use. It is not just a tournament. अगर आपने आए होगा स्मैशर्स में देखा होगा तो रौनक ही अलग होती है। एक लेवल इन्होंने क्रिएट किया है जो क्रिकेट को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके गए। क्रिकेट तो सब खिलाते हैं बट एक जो ग्रैंडनेस आता है ये टूर्नामेंट में, एक पर्सनली प्लेयर को मज़ा आता है ये टूर्नामेंट खेलने में, एक फील है जो स्मैशर्स ही दे पाया अब तक। मेरा खुशनसीब ये है कि मैं इसका पार्ट बन चुका और मेरे को उन्होंने मौका दिया, वाटर रिफ्रेशमेंट का एक स्पॉन्सरशिप का इन्होंने मेरे को मौका दिया, तो वो मेरी खुशनसीबी है। एंड मैं यही चाहूँगा स्मैशर्स हर साल इससे भी बड़ा करते जाए, जो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है। अभी मैं खुद भी देसूरी इसी, तो पर्सनली मैं चाहूँगा देसूरी जीते, बट सारे गांव में से जो भी जीते वो टॉप की टीम होगी। ऑल द बेस्ट टू ऑल द टीम एंड ऑल द बेस्ट टू स्मैशर्स कप, डू वेल। हेलो चिक चिक, हेलो हेलो, ये मुकाबला हाँ सॉरी
राइट हैंड ओवर बहुत ही अच्छी गेंदबाजी पहली दो गेंदें जो थी गति को प्राप्त सुना स्क्वायर ले मिड विकेट बाउंड्री के स्ट्रीट प्लेसमेंट के साथ जीनीत के पहले और अब हमने कोटे का पहला और अपनी टीम की तरफ से बैट्समैन कौन कौन है आतिश और बिकी 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 के लिए थोड़ा फील्ड प्लेसमेंट लेते हुए बहुत ही अच्छी गेंद आठ इसको जैसा कि एक आतिश तैयार नाम देखिए एक रन सर आप लोगों का जो नेम लिस्ट होगा तो मैं बोलता रहूँ आप लोगों के बारे में जो आज मैच बहुत अच्छी गेम नाइन्टी
मनीष। अच्छी गीत कर रहे थे मनीष। ये निश्चित बिल्कुल तो उन उनसे अब रीब्लूम पॉप आता हूं फील प्लेसमेंट। अब ये जो पावर प्ले के लिए फील्ड प्लेसमेंट लेते हुए पावर प्ले के अंकित अंकित जैन है बॉलिंग में। बिकी तैयार बहुत बिकी पहले ही जानते हैं पावर प्ले बहुत ही अच्छी गीत गीत गिदर होती समय था छोर परिवर्तन करने का। चहलकदमी करते हुए अपना छोर परिवर्तन किया रनों के खाते में इजाफा बिकी के खाते में इजाफा होता हुआ इसे एक रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 27 लॉस ऑफ वन विकेट एक विकेट के नुकसान पर 27 रन बना चुके हैं। अब बची हुई गेंदों में 22 रन और करने हैं इस मैच को जीतने के लिए। और स्टेप करते हुए गेंद की पिच तक जाना चाहते थे लेकिन चतुर गेंदबाज ये ऑस्ट्रेलियाई नीति जब से आई है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीकाई गेंदबाज जब ये देखते हैं आप वो अपनी गति से बल्लेबाज को चकमा देते हैं फिर वशा करते हुए मनीष बहुत ही अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में अंकित के द्वारा अच्छा पावर प्ले लगा हुआ और पावर प्ले में जैसा कि आप देखते हैं लंबी लंबी हिट देखने को मिलती है बाउंड्री ओवर बाउंड्री मिलती है यहां पे डॉट बॉलें देखने को मिल रही हैं। लाजवाब गेंदबाजी काबिले तारीफ शांत क्रिकेट का माहौल आतिश ग्राउंड पर बहुत अच्छी गेंद बिल्कुल बैकफुट पर गए पॉइंट का फील्डर बिल्कुल बाउंड्री लाइन से जब तक ही गेंद को गेदर करता समय था एक और रन जोड़ने का अपने स्कोर बोर्ड पर
अपनी टीम के लिए स्कोर 28। शफल ओवर अभी तक कहा जाएगा। लो गेंद तो अच्छी थी, दिशा से भटकी, लेंथ अच्छी है लेकिन दिशा को भी आप अगर दिशा से भटक गए तो निश्चित रूप से एक अतिरिक्त रन मिलता हुआ। इस एक रनों के साथ स्कोर 29 प्लस वन विकेट। अंकित इस ओवर में एक बार फिर राइट हैंड ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। विकी तैयार अंकित की गेंद का सामना करने के लिए। अपने स्टेप से चुके विकी, डेड बॉल वापस आते हुए अपने बॉलिंग मार पर। गेंदबाज जब स्टेप से चूकता है तो निश्चित रूप से यही होता है जो अभी हुआ। अंकित तैयार, बहुत ही अच्छी गेंद, बिल्कुल इन सिंगर बॉल, खड़े खड़े लॉफ्ट करना चाहते थे गेंद को लेकिन अंकित ने बिल्कुल इन सिंगर से चकमा दिया बल्लेबाज को। तीन ओवर की समाप्ति पे स्कोर 29, एक विकेट के नुकसान पर। बचे हुए दो ओवर मींस 12 गेंदे और रन चाहिए 20 रन, 12 गेंद 20 रन जो रिक्वायर्ड रन रेट था वो बढ़ता हुआ 10 का होता हुआ, 12 गेंदे 20 रन। क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल, कुछ भी कहना संभव नहीं है। कुछ भी हो सकता है क्योंकि कभी लगता था कि एक ओवर में 6 सिक्स नहीं लगेंगे लेकिन देखिए ऋतुराज गायकवाड़ ने बिजी ट्रॉफी में 7 सिक्स लगा दिया। जब युवराज सिंह और कुछ बल्लेबाजों ने 6 सिक्स लगाया था एक ओवर में तब कहा जाता था कि बहुत ही ये रिकॉर्ड काफी दिन रहेगा लेकिन नहीं, बिजी ट्रॉफी में ऋतुराज गायकवाड़ के द्वारा 7 सिक्स लगाया गया एक ओवर में, जो नो बॉल थी उस पर भी उसने 6 लगाया। तो 42 मैक्सिमम रन अभी तक एक ओवर में यह रिकॉर्ड अभी तक है फिलहाल बरकरार। अच्छी गेंदबाजी अंकित की, एक रन मिला, इस एक रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 30। शॉर्ट पिच गेंद बिल्कुल मिड विकेट का फील्डर जब तक की गेंद को गेदर करता आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए अपना छोर परिवर्तन किया। थर्टी वन जिनेत की अच्छी गेंद आतिश के लिए, नाम आतिश। अब कुछ ही गेंद इस ओवर की बची होंगी और जब आखिरी की 6 गेंदें होंगी तब आपको आपसे जुड़ूंगा और कितनी गेंदें और कितना रन है। बहुत ही अच्छी गेंद, उतना ही खूबसूरत शॉट, अच्छी कोशिश लेकिन ओवर बाउंड्री। री सिग्नेचर सिक्स है, ओवर बाउंड्री
on mid wicket. ग्यारह रन और चाहिए बची हुई गेंदों में. जीनित इस ओवर में बहुत ही अच्छी गेंद बिल्कुल आउटसाइड ऑफ स्टंप. गली में खेलना चाहता था बल्लेबाज लेकिन अब ग्यारह रन और चाहिए. अपील हुई है और हमारे निर्णायक मुस्कुराते हुए ओवर की समाप्ति हुई. अब आखिरी की छह गेंदें आनी शेष और रन चाहिए 11 रन. छह गेंद 11 रन. अभी भी ग्राउंड पर आतिश खड़े हैं. खुशपाल आएंगे गेंदबाजी करने के लिए. स्ट्राइक पर होंगे बल्लेबाज आतिश. छह गेंद 11 रन. क्या करते हैं आतिश. काफी समय से ग्राउंड पर खड़े हैं और आखिरी की छह गेंदें आनी शेष. मिड विकेट बिल्कुल बाउंड्री पर स्क्वायर लेग. बिल्कुल रन आउट होने का पूरा चांस है. डायरेक्ट हिट और हाँ बिल्कुल फुर्ती दिखाई सफलता मिलती हुई. जैसे भी आए विकेट अब बची हुई पांच गेंदें और 11 रन. पांच गेंद 11 रन. हमारे साथ हैं नितिन सागरी जी. सर क्या तो स्कोर अब जो बची हुई पांच गेंदें हैं पांच गेंदों पे 11 रन चाहिए. ये मैच है अनिश्चितताओं का खेल मैच लेकिन कुछ भी हो सकता है. न्यू बैट्समैन ने मयंक राका इंदु शोम सुधाकर. ये क्या ये मयंक एक तरफ आतिश दूसरी तरफ मयंक. एक आतिश दूसरा मयंक दोनों एकदम अपोजिट. जहां चंद्रमा एक अपने शांत स्वभाव के लिए वहीं आतिश नाम जैसा. क्या कुछ बची हुई गेंदों में. चार गेंद 10 रन 2.5 पर बॉल. और मिड विकेट के फील्डर काफी तेज से आए गेंद के नीचे कैच करना चाहते थे. पहला रन तेजी से लिया दूसरा रन वहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग होती हुई. ये मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ही घातक साबित होगी. जब रन की आवश्यकता थी
रनों की आवश्यकता है टीम को, एक एक गेंद बहुत ही कीमती, उस समय विकेट मिलता हुआ, अच्छी फील्डिंग, अच्छी गेंदबाजी। अब थैंक यू डीजे, संकेत आए हैं, तो क्या ये अपनी टीम को जीत का संकेत देते हैं? बिल्कुल, अभी तक तो संकेत दिया आउटसाइड ऑफ स्टंप, एक रन मिलेगा, एक अतिरिक्त गेंद मिलेगी, खड़े खड़े जाने भर दिया। अब तीन गेंद, आठ रन, फिर तीन गेंद, सात रन, गेंद तो बिल्कुल अतिरिक्त है लेकिन रन कहां रुकने वाला। अब बची हुई तीन गेंद में सात रन चाहिए, कुछ राय मशवरा करते हुए समय का भी ध्यान रखें, इसके बाद भी ये देखिए अब जो प्रेशर है दोनों पे आता हुआ, तीन गेंद, सात रन, देखिए गेंद और ये चौका, बिल्कुल ओवर पिच गेंद थी, बिल्कुल चहलकदमी करते हुए गेंद की पिच तक गए, सीधे वन बाउंस फोर। दो बॉल तीन रन, दो गेंदों पर तीन रन चाहिए, थैंक यू डीजे, दो बॉल तीन रन। और ये देखिए टोटल क्या कुछ होता है, रोमांचक रोमांचकता की पराकाष्ठा को चूमता हुआ ये मैच। थैंक यू डीजे, एक बॉल दो रन, एक बॉल दो रन चाहिए, एक बॉल पे दो रन। अब बैटिंग के लिए आया है न्यू बैट्समैन अंश, एक तरफ अंश और स्ट्राइकर इन पर हैं संकेत, ये जीत किसके अंश में जाती है, जीत का संकेत देते हैं या ऐसा करने से रोकता है एक गेंदबाज। एक रन मिलता हुआ दूसरे रन के लिए आए हैं। अब ये देखिए बिल्कुल रोमांचक ताकि पराकाष्ठा को चूमता हुआ ये मैच, और ये मैच ड्रॉ हुआ, एक एक पॉइंट मिलता हुआ दोनों ही टीमों को।